वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। रब आपको बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी तरक्की दे आने वाले साल में। फ्रेंड्स, आज के रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से क्यों अट्रैक्ट हुए। अगर उनका अट्रैक्शन थर्ड पार्टी से हुआ है, किस ऑपोजिट जेंडर से वो अट्रैक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली उनको आप में और उनमें कोई फ़र्क महसूस हुआ होगा। खुले दिल से आप ये रीडिंग देखेंगे। हम ये नहीं कहते जो फ़र्क वो महसूस करते हैं वो एक सच्ची बात है, लेकिन ये उनको इस वक्त लग रहा है, ये फ़र्क उनको महसूस होता है। लेकिन अल्टीमेट आउटकम हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से ही देखेंगे कि क्या है। तो आज की रीडिंग में मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन को आप में और थर्ड पार्टी में क्या फ़र्क महसूस होता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, इसको आपको दिल पर नहीं लेना है, इसको एक खुले दिल से इस रीडिंग को आपको देखना है। इस तैयारी के साथ ही आप इस रीडिंग को देखेंगे। 3 पाइल्स हैं आपके लिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 पे मैंने रखा है ये ग्रीन स्केच पेन, पाइल 2 पे है ये रेड स्केच पेन और पाइल 3 पे है ये ब्लैक स्केच पेन। पाइल 1 ग्रीन स्केच पेन, पाइल 2 रेड स्केच पेन और पाइल 3 है ब्लैक स्केच पेन। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले। नहीं सिलेक्ट होता कोई बात नहीं, आप सारी रीडिंग्स देख लेना और जिससे भी आपको सबसे ज़्यादा रिजोनेशन फील हो, अपनी सिचुएशन से मैचिंग फील हो, उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लेना। शर्त यह है कि आपके पर्सन आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी से अट्रैक्टेड है, या तो वो आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं या ऑन द वे है ब्रेकअप के, या आपको लगता है वो थर्ड पार्टी से अट्रैक्टेड है। ये सारी सिचुएशन में ये रीडिंग आपके काम की है। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं। पाइल 1 ग्रीन स्केच पेन के साथ। फ्रेंड्स, ये जो 6 कार्ड्स है ये उनके जो फीलिंग्स आपके लिए हैं, और ये जो 6 कार्ड्स हैं ये फीलिंग्स उनकी थर्ड पार्टी के लिए है, और ये फाइनल आउटकम है, इसको हम बाद में देखते हैं। आइए आप खाली कार्ड्स पहले सुन लीजिए। डेथ, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी की कार्ड्स देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनल आउटकम में है कॉमिनिटी, फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल एंड इनडिसिशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जोडियक साइन की अगर बात करते हैं तो इसमें मुझे पेंटिकल्स दैट इज अर्थ साइन, कप्स वाटर साइन, वॉन्ड्स फायर साइन एंड स्वॉर्ड्स एयर साइन। सारी साइंस के मुझे इसमें दिख रहे हैं, प्रोमिनेंसी दिख रही है सारी साइंस की। तो आपके पर्सन या थर्ड पार्टी इन साइंस को बिलोंग कर सकते हैं। अब आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं पहले हम उस पर ध्यान देते हैं। ये 6 कार्ड्स को हम बाद में देखेंगे, इनको अभी हम साइड पर करते हैं। इन 6 कार्ड्स पर हम फोकस करते हैं। आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर इस वक्त क्या जज्बात है, क्या फीलिंग्स है? आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है उसके वजह से उनको आपसे रिलेशनशिप क्लोज कर देना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। थर्ड पार्टी से बहुत टाइम से अट्रैक्टेड है, ये तो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में कि अभी अभी की बात नहीं है, आपसे जब वो रिलेशनशिप में थे तब से ही थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो चुके थे वो, और अब वो सिचुएशन आ गई है उनके दिल में
उनके माइंड में ये बात आ चुकी है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, आप देख सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली वो आपसे डिटैच होने लगे हैं, ये आपको भी फील होता होगा। थर्ड पार्टी से वो ऑलरेडी बहुत टाइम से अट्रैक्टेड हैं, जब आपके साथ इन्वॉल्व थे शायद तभी से वो अट्रैक्टेड थे थर्ड पार्टी के साथ। उनको कॉन्स्टेंटली आपके साथ जो एक बर्डन फील होता था, इमोशनल बर्डन उनको बहुत फील होता था रिलेशनशिप में, उन्हें लगता था कि उनको एक जो मूवमेंट की स्पेस नहीं मिल रही थी, मूवमेंट इन द सेंस कि उनको ऐसा लगता था आप उनको वो स्पेस नहीं देते रिलेशनशिप में जो उनको चाहिए थी। बहुत डिफेंसिव उनको रहना पड़ता था आपके साथ, ये उनको लगता है। मैं ये डेफिनेटली नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हैं, अपने दिल में ये बात ज़रूर समझिए कि ये उनकी फीलिंग्स की हम बात कर रहे हैं, ये मेरी या आपकी फीलिंग्स नहीं हो सकती, ये उनकी ही फीलिंग्स है। उनको लगता है रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते थे क्योंकि उनको मूवमेंट का एक स्पेस नहीं मिलता था, एक्सप्रेशन का स्पेस नहीं मिलता था। वो कुछ भी कहते थे तो आप उनको लगता था कि आप उनको क्रश कर देते थे और वही आप करते थे जो आपको सही लगता है, ये उनकी थॉट्स है। और उसी दरमियान जब ये ऑलरेडी इस बर्डन में से गुजर रहे थे जो उनका शायद क्रिएट किया है या आप बेहतर जानते हैं, तब से ही उनका अट्रैक्शन थर्ड पार्टी से होने लगा था। तो उनके जो फीलिंग्स है आपके लिए वो ये है कि आपके साथ का रिलेशन उनको बहुत ज़्यादा बर्डनसम लगता था, उनको एक्सप्रेशन उसकी परमिशन नहीं थी ऐसा उनको लगता था, मूवमेंट नहीं फील होती थी, स्टैग्नेशन बहुत फील होती थी इस रिलेशनशिप में उनको, कि जैसे जहाँ रिलेशनशिप जैसे एक अटक गया एक जगह पे, ग्रोथ नहीं हो रही है रिलेशनशिप की, और उसके लिए वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं। इट्स एज पर द रीडिंग एंड एज पर द कार्ड्स, वी आर नॉट सेइंग दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन। तो ये उनके फीलिंग्स है आपके लिए। अब थर्ड पार्टी के लिए वो क्या सोचते हैं, आइए उस पर ध्यान देते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि थर्ड पार्टी उस उनके पास से उसको कोई लेना देना नहीं है, थर्ड पार्टी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है जैसे भी सिचुएशन से वो आए हैं, आपको अगर छोड़कर वो उसके पास जाना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपसे ब्रेकअप करके उनके पास आ रहे हैं, वो उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। थर्ड पार्टी ने ये सब चीज़ों को पकड़ के नहीं रखा है जिसकी वजह से उनको कन्फ्यूजन नहीं होती उसके साथ इन्वॉल्वमेंट लेने से। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको पूरी, ऐसा लगता है उनको कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत दी है। आप देख सकते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी उनके लिए एक्शन लेने को तैयार है। और एक्शन ये है कि अगर वो आपसे वॉकआउट करके उनके पास जाएंगे तो थर्ड पार्टी को इससे कोई इश्यू नहीं है, होगी भी क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी एक तरह से आपके पर्सन को आपसे जुदा कर रही है, तो उसको तो डेफिनेटली इश्यू नहीं होंगे। लेकिन आपके पर्सन को उनकी ये जो एटीट्यूड है ये बहुत अच्छी लग रही है कि उनके तरफ से कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं है, दे आर एक्सेप्टिंग योर पर्सन द वे दे आर विद ऑल देयर वीकनेसेस। जो भी आपके पर्सन की कमजोरियां हैं उसको ये थर्ड पार्टी खुले दिल से एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा आपके पर्सन को अभी लग रहा है। आपके पर्सन के पास्ट को पकड़ के नहीं रखती है ये थर्ड पार्टी, उनको खुला एक स्वागत दे रही है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक कंफर्ट जोन फील करते हैं उनके साथ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इमोशंस, ये सब कुछ थर्ड पार्टी के साथ वो फील करते हैं। तो ये फ़र्क उनको फील होता है आप में और थर्ड पार्टी में, कि आपके साथ बहुत ज़्यादा घुटन लग रही थी उनको रिलेशनशिप ने, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं था रिलेशनशिप में, जबकि थर्ड पार्टी के साथ आप देख सकते हैं ये जो वर्ल्ड कार्ड आया है इसकी वजह से आप एक जजमेंट ले सकते हैं कि थर्ड पार्टी को उनके पास से कोई लेना देना नहीं है, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट योर पर्सन विद ऑल देयर फ्लॉज, विद ऑल देयर वीकनेसेस। और ये चीज़ से आपके पर्सन उनके साथ इस वक्त ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करते हैं, ये फ़र्क उनको लगता है आप में और थर्ड पार्टी में। हो सकता है ये रिलेशन नया है तो अभी इसमें सब ज़्यादा ही पॉजिटिव उनको दिखता होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आइए फाइनल आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का, उनका और थर्ड पार्टी का, ये देख लेते हैं। कम्युनिटी, फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल, इनडिसीशन, ये कार्ड्स हैं अगर तो मुझे ये दिख रहा है कि आउटकम लेटर स्टेज में इन फ्यूचर,
अगर थर्ड पार्टी के साथ ये सेट हो जाते हैं उसके बाद भी उनके दिल में एक सेटिस्फेक्शन उनको लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाली है। थर्ड पार्टी से उनको किसी ना किसी तरह की एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होगी और वो तब एक इनडिसिसिव स्टेज में जाएंगे रिलेशनशिप की, जब उनको ये समझ नहीं आएगा कि उनको थर्ड पार्टी के साथ भी कंटिन्यू करना है या नहीं। फिलहाल उनको ये फ़र्क में सब पॉजिटिव दिख रहा है थर्ड पार्टी में, लेकिन जो फ्यूचर के कार्ड्स हैं, फ्यूचर आउटकम है, वो यही दिखा रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही फील करेंगे जो इस वक्त वो आपके साथ फील कर रहे हैं। किसी तरह की इनसिक्योरिटी उनको फील होगी थर्ड पार्टी की वजह से और उसकी वजह से वो इंडिसिसिव हो जाएंगे कि उनको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है थर्ड पार्टी के साथ। बट दैट इज़ लॉन्ग वे टू कम। राइट नाउ दे आर वेरी मच हैप्पी बीइंग विद थर्ड पार्टी। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रीडिंग जस्ट नाउ। तो फ्रेंड्स, आपको दिल पे नहीं लेनी है ये बात, मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है, जो वो फील इस वक्त रियली करते हैं वो ये चीज़ है। लेकिन जैसे कि फाइनल आउटकम दिखा रहा है, उनको आगे जाके इनसे भी कुछ ना कुछ इश्यू तो होने ही वाले हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन ही बहुत इंडिसिसिव मुझे लगते हैं, कुछ उनको ही अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से शायद वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि अभी वो आपको ठहरा रहे हैं, आगे जाके वो थर्ड पार्टी को भी ठहराने वाले हैं। तो डेफिनेटली शोज दैट दे आर इनसिक्योर विद देमसेल्व्स, यही उनका एक प्रॉब्लम है। तो पाइल वन आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट, आपको पता चल गया आपके पर्सन को आप में और थर्ड पार्टी में क्या फर्क महसूस होता है। अब हम लेंगे पाइल टू रेड स्केच पेन। ये सिक्स कार्ड्स हैं उनकी फीलिंग्स जो आपके लिए है, ये सिक्स कार्ड्स हैं उनकी फीलिंग जो थर्ड पार्टी के लिए, और ये फाइनल आउटकम है। आइए कार्ड्स देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, और इधर उनके जो कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के लिए वो ये हैं, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। फाइनल आउटकम जो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, कॉन्ट्रैक्ट, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ये कार्ड्स आपके आए हैं। पहले जोडियक्स क्लियर कर लेते हैं। एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन का इन्फ्लुएंस है, एंड ऑफ कोर्स कॉइन आया है तो अर्थ साइन का भी इन्फ्लुएंस है। सारी साइंस, ऑब्वियसली व्हेन देयर आर सो मेनी कार्ड्स ऑल साइंस आर गोइंग टू गेट कवर्ड अप, नो टू ओपिनियंस ऑन दैट। चलो नेवरदिलेस आपके पर्सन क्या फील करते हैं आप में और थर्ड पार्टी में फ़र्क, अब इस पर गौर करते हैं। आप या आपके पर्सन या थर्ड पार्टी किसी भी एक जोड़े को बिलोंग कर सकते हैं, तो आपने देख ही लिया सिचुएशन, फ़र्क आप में और थर्ड पार्टी में। आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है कि आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लगते हैं। पाइल वन में भी थोड़ा इश्यू ऐसा ही था, लेकिन डोमिनेंस नहीं थी पर्सन की, लेकिन पर्सन उनको स्पेस नहीं देते थे, क्लिंगी थे, हर वक्त उनके ऊपर डिपेंड करना, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी उनके पर्सन की। लेकिन आपके केस में थर्ड आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। आप देख सकते हैं मैजिशियन कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, ये सब दिखाते हैं कि आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ऑरा है, इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऑलरेडी दिख ही रहा है कार्ड से। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स है आपसे, जो आपको शायद कभी पता नहीं चला। और डेफिनेटली ये ज़रूरी नहीं कि आपने उनको फील करवाया है, लेकिन उनको खुद ब खुद ये फील हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं उनकी उनके सामने। आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा वज़न डालती है उनकी पर्सनालिटी के ऊपर।
हो सकता है किसी ने उनके मन में ये बात डाली हो सकता है लोगों के एटीट्यूड से उन्होंने ये फील किया हो, जिसकी वजह से शायद वो ये रिलेशनशिप से दूर होना चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स शोज मूवमेंट, मूविंग आउट। उन्होंने ये फील किया कि आपके साथ अगर आगे जाके वो फैमिली करते हैं और भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, जैसे कि टेन ऑफ कप्स है, कहीं उनको पछताना ना पड़े, तो फिलहाल ब्रेक ऑफ हो जाना ज़्यादा सेंसिबल है ये उनको लगा, क्योंकि आपके सामने वो कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी के आगे उनको घुटन सी महसूस होती है। ये आप नहीं फील करवाते होंगे, डेफिनेटली फील भी करवाते होंगे, आप नहीं भी फील करवाते होंगे, ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का वज़न उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये दिख रहा है। इतने सारे आपके जो कार्ड्स हैं बहुत पावरफुल हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगा आगे जाके जब इतनी मुश्किलें, जब फैमिली हो और तब उनको पछताना पड़े, उससे बेहतर है वो अभी आपसे डिसकनेक्ट हो जाए। उनको ऐसी फीलिंग आई होगी जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट लेने लगे। आइए थर्ड पार्टी को ऑब्जर्व करते हैं, थर्ड पार्टी का उसके लिए वो क्या फील करते हैं। ये कार्ड से, फाइव ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिखता है थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली उनको आपसे सेपरेट किया है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड शोज स्लाइनेस, कनिंगनेस। तो थर्ड पार्टी ने बहुत सोचे समझे प्लान के तहत आपसे, आपके पर्सन को अलग किया है। जब कभी आपके पर्सन ने उनसे कुछ शेयर किया, हो सकता है दोनों फ्रेंड्स हो सकता है कॉमन फ्रेंड्स हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, कोई भी, लेकिन थर्ड पार्टी कुछ ऐसा लगता है आपको भी समझती है और जानती है और इनको भी जानती है। तो थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे इनके मन में ये चीज़ को और भी अफर्म किया, रीअफर्म किया कि यस, आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं और ये आपके सामने छोटे लगते हैं, मतलब दब से जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी के आगे। ये बातों को थर्ड पार्टी ने इनके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा रीइन्फोर्स किया है, उनके अंदर ये बात को और भी गहरा किया है और बहुत स्पीडीली किया, एक सोचे समझे प्लान के तहत। आप देख सकते हैं ये पर्सन फ्यूचर में देख रहा है, तो ये पार्टी ने बहुत सोचे समझे प्लान के तहत ये किया। हो सकता है थर्ड पार्टी को तब ये बात में इंटरेस्ट नहीं था कि वो आपके पर्सन से इन्वॉल्व होंगे, लेकिन यस, आपके पर्सन की ये चीज़ को देखकर जब उनको लगा कि आपके पर्सन खुद ही ये चीज़ फील कर रहे हैं कि आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो भी क्यों ना एडिंग फ्यूल टू फायर करें, बोलते ना जैसे आग में घी देने का उन्होंने काम किया है बहुत हद तक, और आपके पर्सन को और भी ज़्यादा ये चीज़ पे फील करवाया कि यस, वो आपके सामने कहीं नहीं टिकते। मैं ये तो नहीं कह सकती इस केस में कि आपके पर्सन अट्रैक्टेड हैं थर्ड पार्टी से। पाइल वन में तो अट्रैक्शन का कार्ड आया था, आप में मुझे ये नहीं दिखता कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अट्रैक्टेड है सेक्सुअली, या उनको एक लॉन्ग टर्म रिलेशन उनसे कायम करना है, लेकिन फिलहाल उनको ये फील होता है कि थर्ड पार्टी उनको बहुत अच्छा गाइड कर रही है कि वो उनको आपके और आपके पर्सन के बीच में जो डिफरेंस है उसको एहसास करवा रही है, थर्ड पार्टी ठीक से समझा रही है। ये एक फीलिंग प्रिवेल करती है इस फर्क में, ये सेक्सुअली अट्रैक्टेड है या इमोशनल है थर्ड पार्टी के लिए, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा इसमें, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी आपके पर्सन से काफ़ी हद तक अट्रैक्टेड है। आपके पर्सन के दिल में अभी ये बात नहीं आई है, लेकिन हाँ, वो उनकी तरफ उनका झुकाव ज़रूर बढ़ रहा है, एज फ्रेंड बढ़ रहा होगा, लेकिन थर्ड पार्टी ऑलरेडी अट्रैक्टेड है आपके पर्सन से। तो फिलहाल तो आपके पर्सन एक सस्पेंडेड सिचुएशन में है, ना वो टोटली आपसे ब्रेक ऑफ हुए ना टोटली थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुए, कुछ ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन हैं इस वक्त। थर्ड पार्टी इमोशनली अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है आपके पर्सन से, ये तो मुझे दिख रहा है। बहुत अक्लमंदी से वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपसे दूर कर रही है सिस्टमैटिकली। तो अभी आपके पास मौका है, आप बचा सकते हैं ये रिलेशनशिप को अगर आप चाहें तो, थोड़ी अक्लमंदी से। फाइनल आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है, या आपके पर्सन का आगे जाके माइंडसेट क्या हो सकता है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। एक इंसान से वो किसी मकसद से जुड़े हैं और एक इंसान से वो इमोशन से जुड़े हैं आपके पर्सन। किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत शायद वो डिसीजन ले, मतलब
जो भी पलड़ा उनका जो जहाँ भी भारी हो गया उनके झुकाव का, वहाँ वो डिसीशन ले सकते हैं। हो सकता है वो आपकी तरफ झुके, हो सकता है वो थर्ड पार्टी की तरफ झुके, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त वो सस्पेंडेड फॉर्म में है, वो टोटली क्लियर नहीं है उनको क्या करना है। अभी उनको आपसे अलग होने का कोई फाइनल डिसीशन उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत एडमेंट है कि आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, लेकिन आपके पर्सन का अभी जो थोड़ा शॉर्ट टर्म फ्यूचर में आउटकम है वो यही है। फिलहाल बहुत सस्पेंडेड फॉर्म में, जहाँ भी उनका झुकाव फाइनल स्टेज पे हो जाएगा वहाँ के वो हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो आपसे अलग होने का उनके मन में नहीं आया है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत झुकाव है उनका थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको आपके खिलाफ अच्छी तरह से कन्विंस कर रही है। तो पाइल टू आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट, आपको भी समझ आ गया आपके पर्सन को आप में और थर्ड पार्टी में किस तरह का फर्क महसूस होता है और क्यों होता है। अब हम लेंगे लास्ट पाइल फॉर टुडे, ब्लैक स्केच पेन। ये 6 कार्ड्स हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और ये 6 कार्ड्स हैं आपके पर्सन की फीलिंग थर्ड पार्टी के लिए, और ये फाइनल आउटकम, ये जो लगता है और ये जो हो सकता है उस पर है। आइए कार्ड्स देख लेते हैं आपके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स टावर, टेम्परेंस स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, और यहाँ है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, सन एंड एंग्जाइटी। साइंस की अगर बात करते हैं तो सारे जोड़िएक्स यहाँ भी दिख रहे हैं, वॉन्ड्स है, फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन भी है, तो सारे कार्ड्स, ऑब्वियस है कि इतने सारे कार्ड्स होंगे तो सारी साइंस कवर हो जाती है, तो आप आपके पर्सन या थर्ड पार्टी इन साइंस को बिलोंग कर सकते हैं। आइए अब कार्ड्स को एनालाइज करते हैं आराम से, ध्यान से। आपके लिए आपके पर्सन को ये लवर्स कार्ड है डेफिनेटली, तो यहाँ आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपके पर्सन को, इसमें कोई भी शक नहीं हो सकता, ना आपको, ना आपके पर्सन को, ना थर्ड पार्टी को। तो फिर ऐसी क्या बात है कि वो थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आइए उसको एनालाइज करते हैं। आपके पर्सन को ये लगता है इस रिलेशनशिप में कि सब कुछ होते हुए भी एक एम्प्टीनेस है उनके अंदर, है सब कुछ उनके पास लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। मुझे ऐसा अंदाजा है ये कार्ड्स के जरिए कि आपके पर्सन को आपकी कोई बात से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है पास्ट में, इतना हर्ट कि उनको उसी वक्त लगा था कि जैसे रिलेशनशिप से वो वॉकआउट कर दे, आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा कह दिया, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। हो सकता है आपको पता ही नहीं कि वो बात क्या है, आपको पता ही नहीं वो सिचुएशन क्या है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है आप में और आपके पर्सन में। आपको प्यार भी बहुत करते हैं, ये बहुत क्लियरली आप में लवर्स का कार्ड आया है, वो भी मेजर अरकाना, तो डेफिनेटली प्यार आपसे बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए बैठकर, सारे पास्ट के इंसिडेंट्स को रिकॉल कीजिए, रिकैप कीजिए, ऑल द टाइम दैट यू हैव स्पेंट विद देम, आपको डेफिनेटली क्लिक होगा कि हाँ, ये इंसिडेंट के बाद आपके पर्सन में आपके साथ कुछ चेंजेस आ गए थे बिहेवियर में, उनके अफेक्शन में। प्यार तो वो करते हैं लेकिन बहुत बुरी तरह से वो टूट चुके, आप देख सकते हैं दो दो कार्ड्स इस तरह से रो में आए हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन ऐसा हो गया प्यार होने के बावजूद। तो आपके पर्सन को आपकी कोई बात, मतलब आपको नहीं पता कि आपने ये कुछ गलत किया है, ऐसा आपके मन में भी नहीं है, लेकिन उनको वो चीज़ गलत लगी,
उनको वो सिचुएशन में ऐसा लगा ये आपकी गलती है, पर शायद आपसे कह नहीं सके, इसलिए नहीं कहा कि कहीं ये रिलेशनशिप टूट ना जाए। लेकिन वहीं उन्होंने गलती कर दी कि धीरे धीरे ये दिल में उनके एक जख्म बनता रहा है, उनको पेन देता रहा है, और आज वो स्टेज पर आ गए हैं कि आपको प्यार करने के बावजूद भी वो आपसे डिटैच हो रहे हैं। प्यार आपको करते हैं लेकिन वो चाहते हैं आपसे डिटैच हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात बढ़ बढ़ के उनके ही दिल में, उनके ही दिमाग में वो बात इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनको लगता है ब्रेक अवे हो जाना चाहिए। थर्ड पार्टी के साथ उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील होता है, आप देख सकते हैं बहुत बैलेंस्ड फील होता है। थर्ड पार्टी ने उनकी ये जो हर्ट की फीलिंग है उसको बहुत हद तक काबू में कर लिया है, उनको जिसे बोलते हैं ना मरहम पट्टी की है, आप देख सकते हैं टेम्परेंस का कार्ड। थर्ड पार्टी ने उनके ये पेन को बहुत हद तक आराम दिया है, एक सहलाया है उनके फीलिंग्स को, उनकी जो पेनफुल फीलिंग्स थी उसको सहलाया है थर्ड पार्टी ने। कुछ इस तरह से उनके साथ पेश आई है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह से एक बिहेवियर किया है, और मुझे ये भी दिखता है थर्ड पार्टी से काफ़ी टाइम से, मतलब ये लोग बहुत सालों से, बहुत टाइम से, बहुत महीनों से पहचानते हैं एक दूसरे को, इसलिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये जो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप शायद आपको मिलने से पहले आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप रहा है। मतलब ये लोग एक दूसरे को जानते हैं एज गुड फ्रेंड्स, एज फैमिली फ्रेंड्स जानते थे, प्यार आपसे हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और कहीं ना कहीं इनका झुकाव फिर से वो पर्सन की तरफ होने लगा, लेकिन पहले इन्होंने कभी उस पर्सन को उस नज़र से नहीं देखा जैसा वो अब देखने लगे हैं। दे आर बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, फिर ये आपसे अलग हुए, आपके पर्सन फिर थर्ड पार्टी के पास पहुँच चुके हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचा है, उनको नेचर से मांगा है, इस तरह से उनको मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ऐसा लगता है इसी वजह से वो शायद आपसे दूर होकर वापस उसके पास आ गए हैं। ये फ़र्क आप में और थर्ड पार्टी में आपके पर्सन को फील हुआ कि आपके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई जिसकी डिस्कशन उन्होंने इनसे की थी, और ये ऑलरेडी आपके पर्सन को सच्चे दिल से बहुत टाइम से चाहते थे, और ये पर्सन घूम फिर के फिर से उन्हीं के पास चले गए हैं क्योंकि आपसे इन्होंने क्लियरली डिस्कस नहीं किया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर हो सके तो आप अपने पर्सन से डिस्कस कीजिए कि ऐसी कौन सी बात है जिससे वो आपसे इतना उखड़े या इतना नाराज़ रहते हैं, क्यों आपसे दूर हो रहे हैं। अगर आप खुल के बात करेंगे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेंगे, तो डेफिनेटली देर इज़ सम होप, सन का कार्ड है, देर इज़ सम होप। आगे जाके आपके पर्सन को फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, एंग्जाइटी ये सब फेस करने भी वाले हैं, उनके साथ ये सब होने वाला है आगे जाके, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे जिसकी वजह से एंग्जाइटी बहुत आएगी, तो कहीं वो आपकी जो ये प्रॉब्लम है उसको भूलकर उसमें बिजी हो जाएंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करूं। लेकिन आपके लिए भी होप का कार्ड है, आपके पर्सन के लिए भी होप का कार्ड है कि उनको ये होप है थर्ड पार्टी उनको ये सारी सिचुएशन से बचा लेगी। फिलहाल तो वो आपके साथ का जो मसला है उसको हल करने में लगे, लेकिन आगे जाके फाइनेंशियल इश्यूज भी उनकी लाइफ में आने वाले हैं, उसकी वजह से एंग्जाइटी भी होगी, बट स्टिल देर इज़ होप फॉर देम, देर इज़ होप फॉर यू ऑल्सो। आपके लिए भी एक आशा की किरण है कि अगर आप अभी रिलेशनशिप को, ईगो को छोड़ के आप संभाल लें तो संभल भी सकता है। अगर आप नहीं संभालेंगे किसी भी वजह से, आपको लगता है आपको नहीं करना है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनको ये सब इश्यूज़ आएंगे, लेकिन इसमें से भी वो शायद बाहर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हुई रीडिंग आज, आपको ये पता चल गया है आपके पर्सन को आप में और थर्ड पार्टी में किस तरह का डिफरेंस फील होता है। इसको आप जिस भी नज़र से देखें, ये टोटली उनकी फीलिंग्स थी, ये हम नहीं कहते ये आप में ये चीज़ें हैं नहीं है, इसकी कोई बात ही नहीं है, ये आपके पर्सन के थॉट प्रोसेसेस हैं। तो फ्रेंड्स, आपको रीडिंग कैसी लगी, आपको क्या रिजोनेट हुआ, कैसे रिजोनेट हुआ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आपकी दोस्त आरजे मधुरा, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।